हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉडिफिकेशन विद मनोज। और आज के वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे, रिव्यू करेंगे, इंस्टॉल करेंगे HJG का M3 मिनी मॉडल। तो ये जो है ये डुअल कलर वाला है। M3 में दो मॉडल आता है, एक आता है सिंगल वाइट कलर और एक ये वाला है डबल कलर। तो सिंगल वाइट का ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और ये जो है अभी डुअल कलर वाला है, M3 मिनी है, और इसमें लिखा हुआ AC DC, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इसको सिर्फ और सिर्फ जो है आप DC कनेक्शन पे ही आपको इसको लगाना है। बाकी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है AC DC इनपुट वोल्टेज है, 12 वोल्ट टू 80 वोल्ट है जो है इसका इनपुट है, और इसका 30 वाट टू 50 वाट है, मतलब 30 लो बीम और 50 हाई बीम का है। और ये लुमेंस है 3000 एंड 5000 लुमेंस। एक्चुअली देखिए, इसमें 30 वाट लिखा है, 50 वाट लिखा है। एक बात समझ लो कि ये डबल कलर है, तो एट अ टाइम खाली एक ही कलर जलेगा, या तो वाइट जलेगा या तो येलो जलेगा, या तो दोनों का वाट सेम होगा या तो अलग अलग हो सकता है। तो हम लोग जो है वो भी हम लोग चेक करेंगे। तो इसको बॉक्स तो ये है कुछ ऐसा, इसको ओपन करते हैं। और ये ऐसा, तो ये डबल कलर है, वाइट है, येलो है, और ये इसका H4 का सॉकेट। तो यहाँ पे देखेंगे तो 3 COB, 1, 2 और 3 COB आती है, और जैसा नाइट आई का जैसा आता था ना, वो टाइप का है इसमें। तो सारे LEDs एक ही पोजीशन पे है। यूजुअली नाइट आई में का जो ऐसा ट्रायंगल वाला जा रहता है, यूजुअली कैसा रहता है, जो हाई बीम होता है थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है, लेकिन ये सारे LEDs जो है ना एक ही पोजीशन पे है, मतलब फोकस अपने को एक जैसा ही मिलने वाला है। तो ये देखिए, सारे LEDs का पोजीशन एक जैसा ही है। और प्लस इसमें देखेंगे ना, वाइट और येलो बाजू बाजू में, तो इसमें क्या होगा ना, वाइट ये बाजू आएगा तो येलो ये बाजू आएगा, ऐसा ही कुछ ना कुछ हो पाएगा। दूसरा चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है इसमें, अगर आप ये देखेंगे ना, तो ये देखिए, ये जो लाइन होती है ना, ये नीचे आती है कभी भी, और ये ऐसा ट्रायंगल जो ये उल्टा बना हुआ है। एक्चुअली ये जो फ्लैट बेस है ना, वो नीचे आना चाहिए और ये दो ऊपर होना चाहिए। तो और यहाँ पे इन्होंने एक्चुअली यहाँ पे एक एक्स्ट्रा होल भी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे स्क्रू है, ये एक स्क्रू है और ये है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये स्क्रू ओपन करके इसको जो रिंग ऐसा घुमा देंगे, ताकि क्या होगा ना, जो फ्लैट सरफेस है ना वो नीचे आएगा, और बाकी का जो त्रिकोण जैसा जो बनेगा ना वो ऊपर होने का। तो वो वाला अपने को करना पड़ेगा। हम लोग जो है अभी इसका क्या करते हैं, एम्पियर चेक करते हैं। और इसका ब्लास्टर पे भी देखिए, इस पर ऐसे ही ये सब लिखा है, 12 टू 80 वोल्ट इसका इनपुट है, हाई पावर 30-50, लो पावर 20-30 दिया हुआ है। लेकिन हम लोग जो एक्चुअल इसका चेक करते हैं कितना आता है। और ये H4 वाला रिंग है, इसे दिया हुआ है, और इसमें एक ये एक दिया हुआ था। ये ना यूजुअली आपको अगर CD100 में या तो RX100 RX135 में लगाना हो ना, तो ये उसमें सेट हो जाता है ये वाला। और ये स्प्रिंग दिया है टाइट करने के लिए, इसके लिए रहता है, तो टाइट से एकदम, मतलब ऐसा टाइट थोड़ा सा एकदम टाइट करने के लिए ये स्प्रिंग उसके लिए दिया हुआ है। इसको साइड में रख देते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको जो इसका एम्पियर कंजप्शन दिखाता हूँ। तो ये अभी पूरा सेटअप हो गया है, तो हम लोग एक एक करके चेक करते हैं पहले। तो ये वाइट चालू हो गया, सॉरी येलो चालू हुआ, लो बीम पे येलो है, और एम्पियर हम लोग देखेंगे तो है 1.33 एम्पियर का है, 1.37 जितना कुछ है, 1.45, तो 1.4 के आसपास स्टेबल कंडीशन हो रहा है वो। और वाइट हम लोग देखते हैं, तो वाइट का भी जो है 1.45 के आसपास हो रहा है, मतलब अराउंड 20 वाट ईच हो जाता है, मतलब 20 के आसपास हो गया, 20 वाट। हाँ तो सॉरी, ये एक्चुअली 18 वाट के आसपास हो गया, ओके 20 थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, 18 वाट हो गया, 18 वाट वाइट और 18 वाट येलो, दोनों 18-18 का ही है, क्योंकि सेम टाइप की LED से, सेम COB से, और सेम ही जलती है, तीनों एक साथ जलती है, मतलब वाइट एक साथ, तीनों एक साथ वाइट जलेगी और तीनों येलो एक साथ जलेगी वैसा। तो ये 18 वाट का एक हो गया। तो यहाँ पर ब्लास्टर पर लिखा है 30 और 50 का, लेकिन ये एक्चुअल 18 का है, 18 वाट का एक है। अभी हम लोग जो है इसका प्रैक्टिकल हम लोग चेक करते हैं कैसा होता है। और फिलहाल जो मैं है ना, ये स्क्रू ओपन करके इसको ये वाला लगा दूंगा, ताकि रिंग जो है इसका सीधा हो जाएगा। तो अभी मैंने जो है इसका रिंग पोजीशन मैंने चेंज कर दिया है,
तो ये फ्लैट सरफेस है जो था वो नीचे मैंने ले लिया। तो ये देखिए ऐसा हो गया। पहले कैसा था, पहले यहाँ पे नीचे वी शेप हो रहा था, तभी मैंने इसको फ्लैट सरफेस कर लिया। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये स्क्रू आपको ओपन करने का और इसको रिंग को आपको घुमाने का है, क्योंकि दोनों साइड पे जो है ना होल दिया हुआ है, रिंग के दोनों साइड पर इधर भी होल है और इधर भी होल है। तो इसलिए मैंने इसको फ्लैट सर्फेस जो है नीचे ले लिया था। इस तरह से ऐसा होना चाहिए, जैसे नाइट टाइम लगाते ना वैसे सेम ऐसा होना चाहिए, ये फ्लैट सर्फेस नीचे होना चाहिए। और कभी मतलब ऐसे तीन फेस तीन साइड की एलईडी होगी ना, तो ये फ्लैट वाला जो है हर बार नीचे होना चाहिए, तो आपको जो है ब्राइटनेस आपको जो है प्रॉपर आपको मिलेगा। तो अभी मैं आपको जो है M3 का ब्राइटनेस दिखाता हूँ, M3 डबल कलर का। तो इसको सबसे पहले ऑन करते हैं। और मैंने जो है होंडा शाइन की हेडलाइट लिया है, तो होंडा शाइन की हेडलाइट में मैंने इसको फिट किया है। ये होंडा शाइन वाली हेडलाइट है। तो ये देखिए ये इसका ब्राइटनेस है, ये वाइट का ऐसा ब्राइटनेस आपको मिलेगा, ये वाइट हो गया। अभी मैं इसको जो है येलो करता हूँ। तो ये इसका येलो है, तो अच्छा है, मतलब ओके टाइप का है ये। आपको सिटी और हैवी कंडीशन पे चल जाएगा, काफ़ी अच्छा दिख रहा है आपको येलो देखेंगे। तो येलो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ये येलो हो गया और ये वाइट। तो सिटी कंडीशन के लिए काफ़ी अच्छा लाइट है। अगर आपको डुअल कलर में हेडलाइट अगर लेना तो ये काफ़ी अच्छा है, ये वाइट और ये येलो। मैंने एक्चुअली उसका रिंग का पोजीशन चेंज किया है। अगर रिंग का पोजीशन अगर मैं चेंज नहीं करता ना, तो एक्चुअली कुछ तभी कुछ नहीं तो अलग ही दिखता है, दिखाई देता था। ये रिंग का पोजीशन चेंज किया इसलिए इतना अच्छा दिख रहा है, वरना अगर इतना आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। तो रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, ये येलो का देखिए काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स अपने को मिल रहा है। और ये अभी आपको वाइट दिखा देता हूँ वापस, तो ये वाइट। तो ये है HJG M3 का डुअल कलर वाला हेडलाइट। अगर आपको ये परचेस करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, सारे डिटेल्स जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो वापस एक बार दिखा देता हूँ। तो ये देखिए ये वाइट हो गया और ये येलो, सॉरी ये वाइट और ये येलो।